टारगेट अस्पताल इजरायली झूठ। ये बड़ी खबर नहीं, बड़ी खबर जो आ रही है सीधे राहुल, टारगेट अस्पताल इजरायली झूठ। ये जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए टारगेट अस्पताल इजरायली झूठ, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन पहली बड़ी खबर, गाजा में अस्पतालों पर हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। इंडोनेशिया अस्पताल में धमाका, देखिए पूर्वी जमालिया में भीषण बमबारी, अस्पताल में हमास के ठिकानों का दावा, आईडीएफ का दावा, अस्पताल के अंदर हमास की सुरंगें। ये देखिए इंडोनेशिया अस्पताल पे अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। तबाह हुए गाजा के चार बड़े अस्पताल, ब्रेक करिए विद द वीडियो। 72 घंटे में अस्पतालों पर हमला जारी, ये देखिए जरा अल शिफा रंतीसी अस्पताल पर आईडीएफ का कब्जा, इंडोनेशिया अल हली अस्पताल पर हमला, आईडीएफ का दावा अस्पतालों में हमास का अड्डा, गाजा के अस्पतालों में भीषण बमबारी। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए जरा तस्वीरें देखिए। ये बैप्टिस्ट अस्पताल का वीडियो था, ये देखिए जरा। आइए ये चार तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं राहुल, और ये चारों तस्वीरों के साथ मैं और ये चार तस्वीरों के साथ बिपिन के पास अब जाएंगे। सीधे दिखाइए जरा गाजा के अस्पतालों पर बमबारी, ये देखिए जरा अल शिफा अस्पताल, ध्यान से देखिए किस तरीके से उस पर अटैक किया गया, रंतीसी अस्पताल, इंडोनेशिया हॉस्पिटल, अल अहली अस्पताल। मैं चाहूंगा राहुल ये चार विंडो के साथ मुझे और बिपिन को दिखाइए। बिपिन सीधे आपके पास जा रहा हूं, जरा बताइए बिपिन मुझे, मैं समझना चाहता हूं इन अस्पतालों पर हमला करके कहा गया कि हमास के ऑपरेटिव्स हैं, हमास के कमांड सेंटर हैं, बकायदा ग्राफिक्स के जरिए उनका पूरा थिएटर दिखाया। जब पकड़ा गया खोदा पहाड़ तो निकली चुईया, क्या था वहां पर, कुछ हथियार जो कि उनके गार्ड्स के होंगे, कुछ कपड़े जो कि हो सकता है उनके हॉस्पिटल के गार्ड्स के होंगे, और ये छोटे मोटे हॉस्पिटल्स नहीं है। क्या कह रहा है आईडीएफ इसको लेकर? देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है निशांत, और आज भी अपने दावे से पीछे नहीं हट रहा है। बार बार जब इस तरह के अस्पतालों पर हमला किया जाता है तो आईडीएफ के लोग अंदर जाते हैं, बंकरों में फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो शूट किया जाता है। और 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा आईडीएफ का एक प्रॉपर स्पोक पर्सन जिस तरह से वॉक थ्रूज हम लोग करते हैं कि मेरे पीछे आप ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये वहाँ पर है, कुछ इस तरह से वीडियो शूट करवाते हुए नजर आए थे, और वो अल शिफा अस्पताल का था। तो इससे जाहिर क्या करवाते हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो मैसेज जा रहा है कि ये अस्पताल का और मानवता का दुश्मन है, उस मिथ को तोड़ना है। दूसरी बात, आज भी आईडीएफ ये मानने को तैयार नहीं है कि इन्हीं अस्पतालों के नीचे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं,